यूपी में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने के बाद अब छोटे बच्चों के स्कूल भी खुलेंगे। कोरोना के कारण बंद चल रहे ये स्कूल करीब 11 महीने बाद खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कुछ दिन पहले स्कूलों को खोलने के लिए अधिकारियों को व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। अधिकारियों का प्रस्ताव मिलने के बाद इस पर शुक्रवार की दोपहर आदेश जारी हो गया। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही स्कूल खोले जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि 10 फरवरी से 6 से 8 तक के स्कूल खुल जाएंगे। 1 मार्च से 1 से 5 तक के सभी स्कूल खुलेंगे। पिछले दिनों सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कक्षाएं दोबारा शुरू करने पर विचार करें। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार को स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव के मुताबिक ही सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया है। कोरोना के कारण स्कूलों की बंदी से बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। राज्य के सरकारी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पहुंच ऑनलाइन पढ़ाई तक नहीं है। अभावों के चलते परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई उतनी कारगर नहीं हो पाई है, लिहाजा माता पिता और शिक्षक सभी बच्चों की पढ़ाई और कोर्स पूरा करने को लेकर चिंतित है। इससे पहले 19 अक्टूबर को कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूल खोल दिए गए थे। इन स्कूलों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खोलने का निर्देश दिया गया था। ज्यादातर स्थानों पर स्कूलों को 2 पालियों में चलाया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण के कारण स्कूल 13 मार्च से बंद चल रहे हैं।